बासलाहियत फनकारों, रिवायत, मौसीकी और खाने से भरी जगह दस्तकारी हार्ड क्राफ्ट की नुमाइश हैदराबाद के गच्चीबौली इलाके में लगाई गई। नुमाइश में बेहतरीन हिंदुस्तानी दस्तकार शरीक हुए हैं। दस्तकारी हाट अपने हैदराबाद के पहले एडिशन का इनेकाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट गच्चीबौली में किया है। 80 से ज्यादा स्टॉल्स में बिहार और राजस्थान समेत मुख्तलिफ रियासतों के फनकार अपनी कारकर्दगी नुमाइश में पेश कर रहे हैं। पट्टा चित्रा फनकारों के मुजाहरों, पिचवस, गोल्ड लीफ एम्बोसिंग के डिस्प्ले, बिहार से मधुबनी आर्ट, राजस्थान से छोटे और टेराकोटा आर्ट वर्क्स और दीगर रियासतों के भी आर्ट्स पेश किए जा रहे हैं। राजस्थान के हाथ से बने हुए चांदी के जेवरात की दुकान श्री जी मेनकारी आर्ट के मालिक दुर्गा कहते हैं, हमें हैदराबाद के लोगों की तरफ से हैरतअंगेज रद्दअमल मिल रहा है और मुझे यकीन है कि अगर गर्मी ना होती तो हमारे पास बहुत ज्यादा दस्तकारी पसंद करने वाले अफराद उमड़ पड़ते थे। हैदराबाद में हिंदुस्तानी कारीगर अपने फन का मुजाहरा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 80 से ज्यादा स्टॉल्स में बिहार और राजस्थान समेत मुख्तलिफ रियासतों के फनकार अपने काम की नुमाइश कर रहे हैं। हफ्ता भर जारी रहने वाली ये एक्सपो 28 फरवरी तक जारी रहेगी और हैदराबादियों के लिए सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक खरीदारी और स्ट्रीट ट्रीट्स में शामिल होने के लिए खुली है। पेश है इस खुसूस में इस नुमाइश के कुछ झलकियां और यहां आए हिंदुस्तान के दूसरी रियासतों के लोगों के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट, siyasat.com। सी सेल का आइटम सिटी का ऊपर ज्वेलरी कैटलरी हम लोग खुद बनाते हैं। हम बंगाल से आए यहाँ हैदराबाद एक गिफ्ट सेंटर के लिए। कितने दिन रहेगा? 28 को लास्ट है। 28 को कब लगी थी ये? लगा हुआ 21 तारीख से लगा हुआ। क्या क्या आइटम? मेरा ज्वेलरी ज़्यादा है, उसके साथ कैटलरी भी है। सारी नेचुरल कलर का ऊपर हम ज्वेलरी कैटलरी बनाते हैं। हम लोग नोएडा से हैं। हम लोग बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट
पे काम करते हैं हम लोग, लोकल आर्टिजन्स को कलेक्ट करके उन लोगों से सामान बनाते हैं। तो हम लोग के साथ 900 औरतें काम करती हैं अभी। हम लोग का सामान वेस्ट बंगाल में, लखनऊ के सितारगंज, यूपी के सितारगंज में और नोएडा में, वहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स आए हैं, वो लोगों से सामान बनवाते हैं। जैसे हम लोग नोएडा में ये क्रोशिया का काम करते हैं, ये क्रोशिया का काम हम लोग नोएडा में करते हैं। उसके बाद हमारा मैट्स का काम हमारा वेस्ट बंगाल में होता है। ये मैट्स, टेबल मैट्स जितने भी हैं, ये टेबल मैट्स के काम हमारे नोएडा में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है। और हमारा मूंज का काम जो कि सितारगंज में होता है, यूपी में। टिकट नहीं है, फ्री है। और राजस्थान से गायक लोग आए हैं, फोक परफॉर्मर्स, गाते भी हैं, नाचते भी हैं, बहुत रौनक लाते हैं। तो वो भी है एक अच्छा माहौल बनाने के लिए। और पुरानी दिल्ली से जहाँ मशहूर खाना होता है, चाट, खासकर दिल्ली का चाट बहुत ही मशहूर है। हैदराबाद में भी मिलता होगा, लेकिन ये दिल्ली के हाथ से इतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो जैसे हैदराबादी बिरयानी होता है, वैसे दिल्ली का चाट होता है। तो वो आके लोग अगर रजमाएं तो ऐसा चाट कभी नहीं खाए होंगे। तो हर तरह का रौनक है इधर। ये गच्छी बौली कहते हैं, और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी डेवलपमेंट है। ये भारत सरकार का संस्था है, लेकिन वो अपने आप चलाते हैं। और स्टूडेंट को पर्यटन विभाग में कैसे उनका सेवा किया जाए और कैसे उसके लिए रोज़गार का पालन करने के लिए और लोगों को कुछ सिखाया जाए, उसके लिए एक इंस्टीट्यूट है। बहुत खूबसूरत जगह है, इसलिए यहाँ कम लोग जानते हैं हैदराबाद में भी, लेकिन यहाँ आके ज़रूर इसका मज़ा लें।